ચાલશે આખા ભારતની અંદર જેમ આપ જોઈ રહ્યા છો કે મોદીજીની ગેરંટી મહિલા લક્ષી કિસાન લક્ષી ગરીબ લક્ષી અને યુવા લક્ષી છે તેમ મહિલાઓ માટે જે શક્તિ વંદન પ્રોગ્રામ છે એના અંતર્ગત સેલ્ફ હેલ્પ ગ્રુપ અને એનજીઓ સુધી અમારી તમામે તમામ મહિલાઓ ભારતીય જનતા પાર્ટી સંગઠન મહિલા મોરચા આ બધા કઈ રીતે પહોંચશે તે અંગેની વિગતની વિગતવાર આ કાર્યશાળા છે આ કાર્યશાળાને માટે શું થઈ રહ્યું છે એના માટે હું માનનીય વિજયાજીને કહીશ કે સંબોધન કરે માનનીય વિજયાતાઈજી નમસ્કાર મેં વિજયા રાહટકર હું भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हूँ उसी के साथ साथ राजस्थान प्रदेश की सह प्रभारी हूँ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ने का जो अभियान चल रहा है शक्ति वंदन उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हूँ आज उसी कार्यक्रम के लिए मेरा गुजरात का प्रवास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है चाहे वो इस देश का गरीब हो युवा हो महिला हो या किसान हो उन सभी के लिए माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं आज देश में महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है अनेक अनेक यशस्वी योजनाओं के माध्यम से महिला कल्याण का काम हो रहा है आज देश में पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो 1 करोड़ से भी अधिक ज्यादा महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं जिसमें से हमारी 11 करोड़ से भी अधिक ज्यादा बहनें काम कर रही है इन सभी महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अनेक अनेक योजनाएं चल रही है केंद्र का जो हमारा कार्यक्रम चलता है NRLM और NULM के माध्यम से उसी से इन महिलाओं के लिए काम भी हो रहा है चाहे महिलाओं के लिए कोई रोलिंग फंड देना हो उसी के साथ साथ उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनुदान हो या उसी के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई लोन हो इस तरीके से अनेक अनेक योजनाएं माननीय मोदी जी के माध्यम से केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है और उसी के साथ साथ हमारी ये सभी बहनें केंद्र सरकार की अनेक अनेक योजनाओं की लाभान्वित भी है आज भी ऐसी अनेक बहनें हैं कि जिनके पास जाने की जरूरत है और अनेक अनेक जो योजनाएं चल रही है उनके साथ उनको जोड़ने की जरूरत है इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए शक्ति वंदन का एक कार्यक्रम हाथ में लिया है हम अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में 3 लाख से भी अधिक ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं और उसमें से 30 लाख से अधिक बहनें आज काम कर रही है और सफलता के साथ अपना व्यवसाय भी कर रही है और उनका आर्थिक सक्षमीकरण भी हो रहा है इन सभी बहनों के पास हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके पास जाएंगे उन सभी के लिए जो जो केंद्र ने योजना बनाई है उन योजनाओं के बारे में उनको जानकारी देंगे उनके सामाजिक उत्थान की अनेक अनेक योजनाएं बनी है उसके साथ हम उनको जोड़ भी लेंगे इस तरीके से ये शक्ति वंदन कार्यक्रम हो रहा है आने वाले महीने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव जाएंगे और हर गांव की हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को अपने साथ जोड़ेंगे इसके बीच में हम उन्हीं के पास तो जाएंगे ही पर उसके साथ साथ जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशन है उसी के साथ साथ विलेज ऑर्गेनाइजेशन है हमारी CRP बहनें हैं उनके साथ भी हम संवाद करेंगे और बाद में हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ हम मिलेंगे मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से मोदी जी आज देश में सभी को साथ लेकर काम कर रहे हैं उसी का उपयोग इन सभी बहनों को भी हो रहा है और इसके साथ साथ हम उनको और अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे और 11 करोड़ बहनों को मिलने का एक बहुत अच्छा लक्ष्य हमने रखा है आखिरी में हम सभी ब्लॉक लेवल पे विधानसभा लेवल पे हम इन बहनों का हम एक बड़ा सम्मेलन भी करेंगे और उनको अपने साथ में जोड़ेंगे इस तरीके का कार्यक्रम अभी हो रहा है गुजरात प्रदेश की हमारी जो टीम यहाँ पे है इस टीम ने भी तय किया है कि वो हर गांव जाएंगे और अपने बहनों को मिलेंगे जिसकी आज यहाँ पे पूर्व तैयारी की बैठक हो गई है मुझे विश्वास है कि गुजरात प्रदेश इस अभियान को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष
आदरणीय सी आर पाटिल जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे तरीके से सफल करेगा।